बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है तमाम लोगों के लिए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि कनाडा जाना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने दोस्तों एक ऐसा पाथवे लेकर आया हूँ जिसमें 80% से ज़्यादा लोग एलिजिबल होंगे, और मैं चाहता हूं कि इस पाथवे में काफ़ी ज़्यादा लोग एलिजिबल हो पाए, क्योंकि ये एक वाहिद कनाडा का ऐसा प्रोग्राम बनने जा रहा है जो इतना आसान रिक्वायरमेंट्स के साथ लॉन्च होने वाला है। आज हम जिस पायलट प्रोग्राम की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो प्रोग्राम अब तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन 2023 की एंड से पहले इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया जाएगा, कनाडा ऑफिशियली अनाउंस कर देगा। अब इसका पता कैसे चला कि ये प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है? तो फ्रेंड्स, कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके अंदर काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया गया कि कनाडा IRCC अभी किन चीज़ों पर काम कर रही है, और उसी में से ये एक पाथवे भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है जिसको बहुत जल्द वो लॉन्च कर देंगे। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे बटन होगा उसको दबा दो, बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों COVID-19 से पहले ऑनलाइन अर्निंग करने वाले काफ़ी ज़्यादा कम लोग थे, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी था ये, और ऑनलाइन अर्निंग करने के रास्ते भी काफ़ी ज़्यादा कम थे। लेकिन जैसे ही COVID-19 आया, लोगों के पास अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा टाइम आना शुरू हो गया, और इसी को देखते हुए लोगों ने ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ ध्यान देना शुरू किया, और देखते ही देखते तमाम चीज़ें ऑनलाइन की तरफ भी जाना शुरू हो गई। रिसर्च के मुताबिक दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर COVID-19 से पहले सिर्फ 5% लोग ही जो थे वो ऑनलाइन अर्निंग किया करते थे, और अब COVID-19 के बाद ये फिगर 45% तक पहुंच चुका है, और अब पूरी दुनिया में 45% लोग जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, जिसका मतलब है कि ऑनलाइन अर्निंग करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और इसी चीज़ को देखते हुए तमाम कंट्रीज ने ऑनलाइन अर्निंग करने वालों के लिए बहुत सारे रास्ते निकालना शुरू किए, और उन कंट्रीज ने अपना फ़ायदा भी सोचा। अब यहाँ तक कि यूरोप की काफ़ी कंट्रीज, UK हो गया, USA हो गया, और ऐसी ही बहुत सारी कंट्रीज ने एक ऐसा वीज़ा लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल नोमेड वीज़ा। आप अगर ये गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो काफ़ी कंट्रीज़ के ऐसे वीज़ास मौजूद हैं ऑलरेडी, और वो चाहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग करने वाले उनकी कंट्री में आए ताकि वो उनको टैक्स दे सकें, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन अर्निंग करने वालों के लिए खर्चा कुछ भी नहीं होता, वो कंट्री के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होते, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज चाहती हैं कि हमारी कंट्री में ऑनलाइन अर्निंग करने वालों की तादाद बढ़े। क्योंकि जब COVID-19 आया, लोगों ने टैक्स देना बंद कर दी क्योंकि लोग जॉब से फारिग हो गए, कितने लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, इसीलिए ऐसी कंट्रीज चाहती हैं कि वहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग करने वालों की तादाद बढ़ जाए, और उनको जॉब की भी फिर ज़रूरत नहीं होगी, वो बिल्कुल आसानी अपना खुद का काम कर रहे होंगे और कंट्री को टैक्स भर रहे होंगे, इसीलिए हर कंट्री चाहता है कि ऑनलाइन अर्निंग करने वाला हमारी कंट्री में आए। अब इस वीज़ा के तहत ऑनलाइन अर्निंग करने वाला किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन हासिल कर सकता है, बस उसको प्रूफ करना होगा कि वो ऑनलाइन अर्निंग करता है, और उनकी कंट्री में जाकर वो कभी भी जॉब नहीं करेगा और ना ही उसे कोई जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अब डिजिटल नोमेड वीज़ा का मतलब ये है कि आपको कोई एक छोटी मोटी जगह चाहिए, चाहे रेस्टोरेंट में मिल जाए, चाहे किसी मॉल में मिल जाए, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए अपना, और आप कहीं से भी बैठ के पूरी दुनिया में काम कर सको, इसका मतलब यही है दोस्तों, और काफ़ी कंट्रीज ने ऐसी ही रिक्वायरमेंट रखी है। तो अब ऐसे ही दोस्तों कनाडा IRCC ने भी इस वीज़ा को लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसका नाम होने वाला है डिजिटल नोमेड वीज़ा। अब इस कैटेगरी में जो लोग भी एलिजिबल होंगे वो बिल्कुल आसानी कनाडा जा सकते हैं और अपना ऑनलाइन काम वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ ही अगर उनको कभी भी जॉब की ज़रूरत भी पड़ जाती है तो कनाडा IRCC ने इसके ऊपर भी उनको एक ऑप्शन दिया है कि वो बिल्कुल आसानी जॉब इंटरव्यूज़ दें, अगर उनको कोई एम्प्लॉयर हायर कर लेता है तो वो बिल्कुल आसानी डिजिटल नोमेड वीज़ा को जो है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट कराए और फिर वहाँ पे काम करना शुरू कर दे।
इसका मतलब यही है दोस्तों कि डिजिटल नोमेड वीजा के ऊपर आपको कनाडा सेटलमेंट ऑफर कर रहा है। तो बहुत जल्द दोस्तों कनाडा IRCC इस पाथवे प्रोग्राम को लॉन्च करने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमारे काफी सब्सक्राइबर्स इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। देखा जाए तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट सामने नहीं आई, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों वो पैसे के ऊपर होती है। लाइक आपकी अर्निंग जो है वो मंथली इतनी होनी चाहिए तो आपने इतनी शो करनी पड़ती है, जैसे कि यूरोप के प्रोग्राम्स के अंदर है, जैसे कि UK के अंदर, US के अंदर है, कि अगर आपका फिगर ऑनलाइन अर्निंग में इतना ज़्यादा है तो ही आप उनका डिजिटल नोमेड वीज़ा हासिल कर सकते हो। रिक्वायरमेंट जो है मुझे लगता है कि कनाडा भी निकालेगा कि वो एक फिगर बता देगा कि इस फिगर से ज़्यादा जिसकी भी ऑनलाइन अर्निंग होगी वो बिल्कुल आसानी डिजिटल नोमेड वीज़ा ले पाएगा। वैसे तो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई है कि ये सबसे आसान प्रोग्राम होगा जिसके तहत न्यू इमिग्रेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएंगे, टैलेंटेड वर्कर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।